कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और 237.86 फीट है। कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1153 में शुरू करवाया था। ये केवल पहली मंजिल ही बन सका था। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब सिकंदरी लोधी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान दी जाती थी। लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए भी तो उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से कोई सुन पाए। कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है। इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर तथा अन्य सामग्री उपयोग की गई थी वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार बनवाई थी ऐसा नहीं लिखा। मीनार के पास ही 4वीं शताब्दी में बना लोह स्तंभ है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वजा के रूप में विष्णुपद पहाड़ी पर निर्मित किया गया था। अब आपको कुतुब मीनार को लेकर हिंदू पक्ष के दावों के बारे में बताते हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार वराह मिहिर, जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण करवाया था। इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है। वराह मिहिर ने मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिथनों का निर्माण करवाया था। इन परिथियों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इन्हीं 27 परिथियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा। मीनार चारों ओर से निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद लिए मूर्ति थी, जो तोड़ दी गई। 6वीं मंजिल पर विष्णु जी के मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे, वे भी हटा दिए गए। इसका सबसे बड़ा सपूत पास में ही खड़ा लोह स्तंभ है, जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414 ईस्वी द्वारा स्थापित किया गया, जिस महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोल शास्त्र एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ वराह मिहिर हुए। ऐसे राज के राज्यकाल में जिसमें लोह स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ बना होगा? निश्चित तौर पर आसपास भी अन्य निर्माण जरूर हुए होंगे।